विनेश फोगाट के चुनावी मैदान में उतरते ही डर गए ब्रजभूषण शरण सिंह। विनेश फोगाट के चुनावी मैदान में उतरते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ बुरा हाल। ब्रजभूषण शरण सिंह समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता हुए परेशान। विनेश फोगाट की एंट्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ गई टेंशन। जब से विनेश फोगाट को लेकर ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, तब से ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही ढंग से सो पा रहे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम बड़े बड़े नेता जो विनेश फोगाट को ही गलत बता रहे थे। देश की राजनीति में इस समय हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में अब उतरने वाले हैं। इसी बीच अब भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान विनेश फोगाट को लेकर सामने आ गया और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर विनेश फोगाट को घेरा। विनेश फोगाट को घेरते हुए उन्होंने कहा, जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए तो मैंने बोल दिया था यह साजिश कांग्रेस की है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की है। मैंने पहले भी कहा था, आज तो देश कह रहा है, अब मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विनेश फोगाट को राजनीति में लाने की एक बड़ी साजिश चल रही थी और विनेश फोगाट के जरिए ही मेरा नाम खराब करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब तस्वीर सबके सामने है। हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें कि विनेश फोगाट और तमाम महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई बड़े संगीन आरोप तो लगाए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी सरकार में उन्हें न्याय नहीं मिला। ये भी देखने को मिला कि विनेश फोगाट को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उतर गई थी और किस तरीके से इन महिला पहलवानों का मजाक बनाया गया था। भारत से विदेश तक इनके खिलाफ साजिश रची गई और विनेश फोगाट को ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं मिल पाया। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि विनेश फोगाट हारी नहीं है और चुनावी मैदान में उतर कर अब वो सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर देती नजर आएंगी। तो क्या विनेश फोगाट अब भारतीय जनता पार्टी का किला ढहाने के लिए तैयार हैं? इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह हो या बीजेपी के और कई बड़े बड़े दिग्गज नेता, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि क्या विनेश फोगाट अगर जीत जाती हैं तो क्या उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी होंगी।